हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय मटोरिया और आज आपके लिए राजस्थान के 62 क्वेश्चन के ये क्विज, जिसमें आपको मिलेंगे बेहतरीन पर्सन जो आपको राजस्थान का परिचय करवाते हुएंगे, और आगे से आपको ऐसे ही सीरीज मिलती रहेगी राजस्थान से संबंधित पर्सनों की। और सभी को बहुत ही बहुत रिक्वेस्ट है कि जिस भी यूजर ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दें साथ में। और अगर आपकी कोई अन्य सुझाव हो तो अपना सुझाव भी अवश्य दें कमेंट के द्वारा, हम आपकी कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। क्वेश्चन नंबर एक है, राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस जिले में आपस में एक दूसरे को टकराती है वह कौन सा है? वह नागौर जिला। ए नागौर, नहीं सॉरी, बी नागौर। क्वेश्चन नंबर दो, करक रेखा राजस्थान के किन जिलों में से होकर गुजरती है? कौन से जिलों में होकर गुजरती है? वह बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यानी बी ऑप्शन होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर है तीन, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई के अनुसार जिलों का आरोही क्रम क्या होगा? तो वो होगा, पहले होगा बीकानेर, फिर गंगानगर, श्री गंगानगर, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर, यानी अपना ऑप्शन होगा बी आंसर सही। क्वेश्चन नंबर चार, पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? यानी पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ कौन सा जिला मुख्यालय सबसे नजदीक है? बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये चारों ही जिले पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, पर गंगानगर का जो जिला मुख्यालय है वो सबसे नजदीक है पाकिस्तानी सीमा से। अपना आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर पांच, राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? कौन से भाग में स्थित है? तो है अपना उत्तर और पश्चिम, यानी बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? तो वो कहा है कर्नल जेम्स टोडन, यानी अपना आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर सात, लूनी नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है, ऑप्शन है अपना सही होगा बी, गोड़वार क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर आठ, करक रेखा राजस्थान राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो वो अपना आंसर होगा बी, बांसवाड़ा से। और क्वेश्चन नंबर नौ, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अपना आंसर होगा ए सही, अरावली पर्वत श्रृंखला जो सबसे पुरानी है। क्वेश्चन नंबर दस, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है उसका क्या नाम है? उसका नंबर है, नाम है तारागढ़, डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 11, उदयपुर के कुंभगढ़ और गोगुंडा के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है या उसको क्या कहलाती है वो? तो अपना आंसर होगा, वो होगा ए, गोगुंडा का पठार। क्या कहा जाता है? गोगुंडा का पठार। और क्वेश्चन नंबर 12, उद्यपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? वो कहलाती हैं डी, गिरवा। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन से प्रकार का है? वो होगा बी, बरखान का। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? राजस्थान का कितना भाग है? तो होगा लगभग दो तिहाई, अपना यानी सी आंसर सही होगा, लगभग दो तिहाई। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है वह 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी सी अपना सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की प्रथम चैत्री मेला कौन सी थी? यानी चैत्री मेला कौन थी? वो थी पार्वती देवी, ए पार्वती देवी। और क्वेश्चन नंबर 17, वह शासक कौन सा है जिसे सिपाही का अंश कहा जाता है तथा कर्नल टोड ने जिसे सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा दी है? वो है राणा सांगा, यानी जिनका नाम था संग्राम सिंह भी, वो है अपना ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन कौन थी? पोस्ट वुमेन पहली कौन थी? तो वह सी, गोपाली देवी शर्मा। क्वेश्चन नंबर 19, पोथी खाना संग्रहालय स्थित है कहाँ? स्थित है जयपुर में, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? वह पृथ्वीराज रसो, ए। क्वेश्चन नंबर 21, ढोला मारू
राधु दुहा के रचित है, डोला मरुरा मरुरा दुहा के रचित कौन है, वह कवि कलोल यानी बी। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव के बाद मनने वाली प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, वो है ए श्री टीकाराम पालीवाल, ठीक है, और ऑप्शन है 23, सॉरी प्रश्न नंबर 23, राज्य के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ था, वो है 26 जनवरी 2008 को यानी बी। क्वेश्चन नंबर 24, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है, वो है बी जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ है, ए जयपुर में। प्रश्न नंबर 26, किसान आंदोलन के जनक कौन थे, ए विजय सिंह पथिक। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, वो है डी राठी गाय को। क्वेश्चन नंबर 28, सिसोदिया वंश का शासन निम्न में से किस रियासत पर था, वो है बी प्रतापगढ़ पे। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है, वो है राज रूपक और महुड़ोत नैणसी की ख्यात, यानी ये दोनों ही हुए, ठीक है, ऑप्शन ए और दो दोनों में। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, के राधा कृष्ण सी। प्रश्न 31, राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, सी जयपुर में। 32 नंबर, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है, ए भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 33, मैंग से पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला श्रीमती अरुणा रॉय यानी बी। तो दोस्तों मेरे को ये थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि ये 62% कुछ ज़्यादा ही होते हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग सा लगने लगेगा, इसीलिए मैं कुछ फास्ट बोल रहा हूँ। तो आप अगर इसकी PDF फाइल लेना चाह रहे हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, उसकी PDF फाइल भी ले सकते हैं इसकी, वो आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, पोखरण जैसलमेर ए में। क्वेश्चन नंबर 35, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, देश है ये क्या चीज है, ये राज्य गीत। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान का राज्य खेल क्या है, सी बास्केटबॉल। 37 नंबर क्वेश्चन, गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था, बी रामनगर। क्वेश्चन नंबर 38, कोकरण तीर्थ कहाँ है, वह सी पुष्कर में। 39 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी, श्रीमती यशोदा देवी ए, जो कि बांसवाड़ा से लड़ी थी, उपचुनाव हुआ था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वे सफल हुई प्रथम विधायक बनने में, जो कि 1952 में चुनाव हुए थे उनमें। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, ए सरदार गुरु मखनियाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख थे, वो कौन थे, डी जयपुर महाराजा स्वाई मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 42, प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में क्या कहा जाता है, वह है बी आहाड़। 43 नंबर क्वेश्चन, जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, वह है वल देश और मांड, यानी ए और बी दोनों क्वेश्चन सही होंगे, वल देश और मांड दोनों ही कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 44, बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है, वह सी बूंदी। 45 नंबर, डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा है, वह है धौलपुर करौली और माधोपुर का कुछ भाग, यानी ये सभी आने वाले इसके क्षेत्र में आने वाले भूभाग हैं। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दी गई थी, वो है डी छठी। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी, वह है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य के 33वें जिले का गठन कब हुआ था,
यानी प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ है, तो वो है 26 जनवरी 2008, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, भरथारी की गुफा कहाँ स्थित है, वो है ए बघेरा गांव अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 50, पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, वो है बी जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, जमनलाल बजाज या जयनारायण व्यास, तो होगा ए सॉरी बी पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान का लोहे पुरुष किसे कहा जाता है, वो है बी दामोदर लाल व्यास को। प्रश्न नंबर 53, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ पे है, वो है ए जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में पर तमाम चुनाव कब हुए थे, वो मैंने आपको कुछ पहले भी बताया था 1952 में, जिसमें प्रथम महिला विधायक बनी थी यशोदा देवी बांसवाड़ा से उपचुनाव में। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है, वो है जोधपुर बी में, ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ था, वो है सी 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, वो है बी ऑप्शन 30 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 58, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली बसा हुआ है, वो है सी झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 60, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें व ठिकाने थे, वो है ए ऑप्शन अपना 19 रियासतें, 3 ठिकाने, वह जयपुर अजमेरा यानी सॉरी अजमेर मेरवाड़ा के केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 61, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था, उसने दिया था बी ऑप्शन है हमारा सही मरुकांतार, मरुकांतार मुरुका कांतार। क्वेश्चन नंबर लास्ट और फाइनल 62 नंबर, स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत्ता रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया था, 1 जनवरी 1950 को, ए सही होगा। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और आपको ऐसे ही राजस्थान की वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।